छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों ने कायराना हरकत की है, जहां नक्सलियों ने ड्यूटी में तैनात जवानों पर फायरिंग की। इससे दो जवानों की मौके पर मौत हो गई। दोनों चेक पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद नक्सली भाग निकले। इसके अलावा नक्सलियों ने जवानों की बाइक में भी आग लगा दिया। मामला बोड़ तालाब थाना क्षेत्र का है। यह घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया गया कि जवान मोबाइल चौक पोस्ट पर तैनात थे। इस बीच नक्सली अचानक से जंगल की तरफ से आए। इस बाद उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस दौरान जवानों को जवाब देने का मौका नहीं मिला। हमले में हवलदार राजेश और आरक्षक ललित की मौत हुई है। ललित समर्थ CAF में पदस्थ थे, जो दंतेवाड़ा जिला के रहने वाले हैं। वहीं राजेश जिला बल में पदस्थ रहे। दरअसल बोड़ तालाब में पहले भी नक्सलियों की मौजूदगी की खबर सामने आ चुकी है। यहां पहले भी नक्सली इस तरह की हरकत कर चुके हैं। इस वजह से जवान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर बोड़ तालाब इलाके में ड्यूटी कर रहे थे। यह इलाका छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र के गोंदिया इलाके से जोड़ता है। फिलहाल घटना के संबंध में अब तक अधिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। घटना की पुष्टि DSP नक्सल ऑपरेशन अजीत ओगरे ने की है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।